आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ खास प्रोग्राम। आज इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे देसी गर्ल के बारे में। जी हाँ, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जिनकी शादी को लेकर बस खबरें बनती ही चली जा रही। जी हाँ, सोनम की शादी के बाद बॉलीवुड का जो सबसे बड़ा जश्न कहा जा रहा था कि वो दीपिका और रणवीर की शादी का है, लेकिन उससे पहले देसी गर्ल ने सबको एक झटका दे दिया अपने रोका सेरेमनी कर और निक के साथ अपनी जो रिलेशनशिप को सगाई के बाद ऑफिशियल करके। तो भाई अब जो बातें ये कही जा रही हैं कि हो सकता है अक्टूबर तक शादी के बंधन में बन जाएं, या खबर ये भी है कि अगले साल तक शादी कर सकती हैं निक और प्रियंका। लेकिन साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने होने वाले हबी यानी कि निक जोनस के बारे में कई सारी बातें शेयर की हैं, जहां प्रियंका ये भी बता रही हैं निक को लेकर कि उन्होंने शादी को लेकर क्या क्या प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने भाई, यहाँ पर शादी को लेकर प्लानिंग प्लॉटिंग पूरी हो चुकी है। अब देखते हैं कि आखिरकार शादी को लेकर क्या क्या प्लानिंग हो रही है निक और प्रियंका की, तो उसके लिए आपको नजर डालना पड़ेगा हमारे इस खास रिपोर्ट पर। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और बात करें अमेरिकन सिंगर निक जोनस की, सगाई के बाद हर जगह चर्चे हैं। जी हाँ, पिछले कई हफ्तों से निक और प्रियंका खबरें बना रहे हैं और साथ ही साथ वो खबरें तब आई जब एक सेरेमनी हुई मुंबई में। जी हाँ, निक और प्रियंका ने हेडलाइंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब जहाँ भी जाते हैं यहाँ पर प्रियंका और निक दोनों के ही क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली हमेशा नजर आते हैं, जहाँ ये साफ साफ पता चलता है कि भाई निक और प्रियंका एक दूसरे के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप सभी को बता दें कि निक और प्रियंका एक दूसरे को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई सारी बातें शेयर करते रहते हैं। जी हाँ, वही प्रियंका भी अपनी शादी को लेकर काफी खुश है। वैसे आप सभी को बता दें कि प्रियंका और निक जो अपनी शादी को लेकर प्लान कर रहे हैं, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, और उन्होंने रिवील किया है एक इंटरव्यू के दौरान कि आखिरकार ऐसा क्या है, और शादी और फिल्मों को लेकर कई सारी बातें शेयर की हैं। और आप सभी को बता दें कि प्रियंका ने कहा, आई एम डूइंग अ मूवी इन इंडिया व्हिच आई हैवंट डन इन 4 इयर्स, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। आई एम डूइंग अ स्टोरी फॉर यूट्यूब ओरिजिनल व्हिच इज टॉक शो इंस्पायर्ड बाय बुक कॉल इफ आई कुड टेल यू जस्ट वन थिंग व्हिच इज बेसिकली मी मीटिंग influential people around the world who I want to know with their one thing on all the view to their success। पर आप सभी को बता दें कि यहाँ पर तो प्रियंका ने अपनी फिल्मों के बारे में बताया और साथ ही साथ बात की अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में कि वो क्या करने वाली है, लेकिन यहाँ प्रियंका ने अपने इस कॉन्वर्सेशन में और भी बहुत सारी बातों को ऐड किया, और जहां उनकी इन बातों में शादी ना हो ऐसा भला कैसे हो सकता है। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि प्रियंका ने कहा कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं अपने शो को लेकर, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा उन्होंने आज से पहले ऐसा शो कभी भी नहीं किया। वेल, इसके साथ ही साथ प्रियंका ने ये भी बताया कि वो बुक लिख रही हैं और साथ ही साथ वेडिंग प्लान कर रही हैं, और जो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। वेल, आपको बता दें कि प्रियंका और निक की शादी को लेकर प्रियंका ने कहा कि निक ने भी शादी को लेकर काफी कुछ चीजें प्लान कर रखी हैं, जिससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि निक और प्रियंका अपनी शादी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वैसे आप सभी को बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ये भी कहती हुई नजर आई निक भी शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जहाँ उन्होंने काफी सारी चीजें प्लान कर रखी है। आप सभी को बता दें कि निक और प्रियंका जो दोनों ही शादी को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। जो यहाँ तमाम तरह के ऐसे इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं जिसमें प्रियंका और निक की शादी की बातें तो अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि प्रियंका और निक को लेकर काफी सारी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहाँ रोका सेरेमनी के बाद जहाँ दोनों की जोड़ी देखने को मिली, और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि ये काफी एक्साइटेड हैं अपनी शादी को लेकर। अगर बता दें कि रिसेंटली निक जोनस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पिक्चर भी शेयर की जिसमें प्रियंका और निक नजर आ रहे हैं हाथों में हाथ डाले हुए। वेल, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर
शादी की डेट्स को लेकर काफी ज्यादा खबरें भी सामने आई, जहां एक खबर ये भी सामने आई कि प्रियंका और निक जो शादी अक्टूबर में करेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि यहां पर उनकी मां मधु चोपड़ा ने इस बात को डिनाय कर दिया है कि अभी वेडिंग डेट्स कंफर्म नहीं हुई है, और साथ ही साथ ये भी नहीं बताया कि अभी वेडिंग का वेन्यू भी कंफर्म नहीं हुआ है। और आप सभी को बता दें कि निक और प्रियंका जो कि शादी की खबरें उनके फैंस चाहते हैं कि कब आए, क्योंकि अब रोका सेरेमनी और सगाई हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर निक और प्रियंका जो उनकी शादी को लेकर फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। आप सभी को बता दें कि प्रियंका और निक को लेकर ये भी खबरें थी कि प्रियंका और निक जहां तक हो सकता है कि अपनी शादी को थोड़ा टाइम दे, मे बी ये नेक्स्ट ईयर तक शादी हो सकती है। लेकिन अगर प्रियंका के इंटरव्यू पर नजर डालें तो प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि अभी प्रियंका का कहना है कि अभी निक जोनस जो कि कुछ शादी को लेकर एक्साइटेड है, लेकिन अभी फिलहाल वो अपने कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पर ध्यान भी दे रहे हैं, अभी उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी रह गए हैं। और आप सभी को बता दें कि फैंस बस यही सुनना चाहते हैं कि आखिरकार निक और प्रियंका शादी कब करेंगे, क्योंकि जहां रोका सेरेमनी के बारे में इन्होंने जब ऑफिशियली तौर पर कंफर्म किया था तो फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, जहां लगातार बार बार यही कह रहे थे कि भाई प्रियंका और निक जो कि इन्होंने पहले अपने रिलेशन को छुपाया, लेकिन जब ऑफिशियल कर दिया तो फैंस का जो खुशी थी वो देखने लायक थी, और फैंस की खुशी का लेवल एक और तब बढ़ गया था जब इनकी शादी की खबरें आने लगी थी। लेकिन अब देखना होगा कि शादी की डेट अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है। आप सभी को बता दें कि प्रियंका के प्रोजेक्ट्स के बारे में तो प्रियंका बॉलीवुड की फिल्म स्काई स्पिन कर रही हैं, जिसे लेकर प्रियंका चोपड़ा ने कहा था वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। स्काई स्पिन की कहानी एक राइटर पर बेस्ड है, जी हाँ, एक फीमेल राइटर पर बेस्ड कहानी है, जिसे लेकर प्रियंका ने ये कहा था कि जब उन्होंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई और उन्होंने इस फिल्म के लिए तुरंत हाँ भी कर दी। बस शादी की डेट जो कि सामने तो नहीं आई, लेकिन आप लोग तैयार जरूर हो जाइए निक और प्रियंका की शादी के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग लगभग पूरी ही हो चुकी है, जो कि आपने देखा होगा हमारी रिपोर्ट के जरिए। अब फैंस बस इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार निक और प्रियंका की जो शादी की डेट वो कब सामने आती है। वैसे निक और प्रियंका की शादी की बात कहें तो ये शादी आउट ऑफ इंडिया होगी, और यहाँ पर प्रियंका इंडिया आके ग्रैंड रिसेप्शन देंगी अपने क्लोज फ्रेंड्स और बाकी सेलिब्रिटीज़ के लिए। तो भाई सबको बेसब्री से इंतज़ार है, वेल अब देखना होगा कि ये शादी कब होती है, क्योंकि फैंस अब ताक लगाए बैठे हैं कि भाई निक और प्रियंका जो शादी की डेट के अनाउंसमेंट कर दें। वहीं प्रियंका के फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर अगर नज़र डालें तो प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की फिल्म स्काई स्पिंक में काम करेंगी। जी हाँ, स्काई स्पिंक को लेकर प्रियंका चोपड़ा का एक इंटरव्यू सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था वो अपनी इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही इस फिल्म के लिए हाँ कर दी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि भाई एक तरफ तो प्रियंका के फिल्मी प्रोजेक्ट का हर किसी को इंतज़ार है ही, लेकिन दूसरी तरफ उससे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है देसी गर्ल की शादी का, यानी कि उनके बहू बनने का। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम, जिसमें हमने बात की प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी खास शो, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।